नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा की वीडियो जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी ने किए बड़े धमाके। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज बहुत बड़े धमाके जो है वो यहाँ पर किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जो है वो BPL राशन कार्ड जिन परिवारों की 1,80,000 रुपये से कम है उन सभी के लिए बड़ा धमाका। आज 12 अगस्त को सरकार के बड़े ऐलान हमें देखने को मिले हैं। एक नया पोर्टल की शुरुआत जो वो की गई है, सक्षम योजना को लेकर यहाँ पर धमाका किया गया और 500 रुपये DBT के माध्यम से पैसे जो वो खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हरियाणा से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता है। तो जो अपडेट है ये सीधा आपको उस पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस अपडेट में क्या बताया गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा CM का ऐलान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो 1200 से लेकर 3500 रुपए तक बढ़ाया, 500 में गैस सिलेंडर के लिए पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे अपडेट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। CM सैनी ने सक्षम युवा योजना के तहत मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को अलग अलग वर्गों में 1200 रुपये लेकर 3500 रुपये तक करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की घोषणा भी जो है वो यहाँ पर की है। यहाँ पर देखिए, सैनी CM ने जो है वो सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे थे। इस दौरान CM ने 1 अगस्त 2024 से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 12वीं पास बेरोजगारों को 900 रुपये से बढ़ाकर अब 1200 रुपये जो है वो दिए जाएंगे और वहीं ग्रेजुएट जो है उनको जो है वो बेरोजगारी भत्ता 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन जो भत्ता वो 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये किया जाएगा। इससे 2,61,000 युवा जो है वो लाभान्वित हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका एक और किया गया सक्षम योजना में बढ़ोतरी को लेकर। जो बेरोजगारी आपकी थी, जो सक्षम योजना का जो भत्ता आपका आता था उसमें आप करीबन देख सकते हैं कि जो नए जो आपके 12th पास वाले हैं उन सभी को यहां पर 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं कि 500 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो बेरोजगारी भत्ते के दौरान यहां पर सरकार ने की है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर के लिए पोर्टल लॉन्च। हरियाणा के 50 लाख BPL परिवारों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने आज हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से 500 रुपये से अधिक की जो भी राशि होगी उसे सरकार प्रत्येक महीने लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से वापस कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हर घर हर गृहिणी जो पोर्टल है वो लॉन्च किया जा चुका है। इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि 500 रुपये से ऊपर जो भी आपका गैस सिलेंडर आएगा उसकी जो कीमत का जो पैसा है वो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो है वो कर दिए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1.80 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों को बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। भाजपा सरकार ने ऐलान कर प्रदेश में 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो गैस सिलेंडर की घोषणा वो बहुत पहले की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पोर्टल आज लॉन्च कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी अपडेट थी फिलहाल के लिए, बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।